लेकिन वहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेस 2.3 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 730G दे रहा है स्नैपड्रैगन, और यहाँ पे कम कर दिया 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक एरियाज। आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पोको X2 और पोको M2 प्रो में कंपैरिजन। हालांकि अगर आप परचेज करना चाहते हैं पोको का फ़ोन और आपको लगता है कि पोको में कौन सा फ़ोन आपको लेना है या थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, तो वो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि पोको X2 फ़ोन महंगा आपको साबित हो रहा है और पोको M2 प्रो आपको सस्ता साबित हो रहा है। 2500 रुपये तक का डिफरेंस है, और वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें आ गई पोको X2 में जो आपको 2500 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो उसी के बारे में मैं आपको फाइनल कर देता हूं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा फोन लेना। तो वीडियो को एंड तक देखना और आपका मैं डाउट यहां पे क्लियर करने वाला हूं कि आपको कौन सा फोन लेना है। तो शुरुआत में करूंगा यहां पे पोको X2 के साथ, प्राइस के साथ पहले शुरू करता हूं। इसकी प्राइस है आपको 17,499 रुपये, मतलब कि 17,500 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे। पोको M2 प्रो की प्राइस आपको 14,999 रुपये में, मतलब कि 15,000 रुपये तक। यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया है कि आपको 2500 रुपये तक का डिफरेंस आपको मिल रहा है, लेकिन आपको ये आपके ये डाउट है कि 2500 रुपये इसमें ज़्यादा क्यों लग रहा है और वाकई में इतना ज़्यादा क्यों डिफरेंस आ रहा है। आपको सारी चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको पता हो गया कि कौन सा फ़ोन कितने प्राइस में है और डिफरेंस यहाँ पे क्या है, वो सारी डाउट मैं क्लियर करने वाला। शुरुआत में करूँगा यहाँ पे आपको, अगर पोको X2 को 6GB रैम के साथ 64GB अगर रोम उसमें शो कर रहे हैं, और सेम आपको पोको M2 प्रो में भी यही स्पेसिफिकेशन है। अगर मैं फुल HD डिस्प्ले की बात करूं तो फुल HD डिस्प्ले भी आपको सेम है, इसमें भी कोई आपको बदलाव और चेंजेस और डिफरेंस कुछ नहीं है। और हाँ, फाइनली अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको कैमरे के लिए, तो कैमरा में आपको थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिल रहा है। पोको X2 में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, और इसमें पोको M2 प्रो में 48 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिल रहा है। और फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे 20 मेगापिक्सल और पोको M2 प्रो में 16 मेगापिक्सल। यहाँ पे सबसे बिग, सबसे बड़ी डिफरेंस ये नज़र आ रही है। अगर आपको लगता है कि 2500 रुपये के लिए आपके इतना चीज़ लोगे, तो आपकी मर्जी, लेकिन और भी आप देखते रहिए। अब यहाँ पे हम महंगे वाले फ़ोन के लिए बात करें, पोको X2 में 4500, मतलब 4500 mAh की बैटरी दे रहा है, और पोको M2 प्रो में आपको मिल रहा है 5000 mAh की बैटरी, मतलब 5000 mAh की बैटरी। और ब्रांड वारंटी आपको पता ही है कि 1 साल की मिलती है और 6 महीने तक आपको एक्सेसरीज पे मिलती है। और पोको X2 में हाइब्रिड सिम स्लॉट है और डेडिकेटेड सिम स्लॉट आपको मिल जाएगा पोको M2 प्रो में। और डायमेंशन की बात करें तो आपको डायमेंशन 76.6 का आपको पोको X2 में देखने को, पोको M2 प्रो में आपको मिल जाएगा 76.68 को पोको M2 प्रो में, ये आपको कुछ ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। और अगर हम वेट के लिए बात करें तो 208 ग्राम का पोको X2 है, और पोको M2 प्रो इसमें आपको मिल रहा है 209 ग्राम का, मतलब 1 ग्राम ज़्यादा आपको वजन दे रहे हैं। और यहाँ का डायमेंशन की बात करें तो सेम, यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंस नहीं है, और पिक्सल्स जो रिजोल्यूशन है वो भी सेम है, आपको कुछ डिफरेंस नहीं है, और एंड्रॉयड GPU भी 618 दोनों का सेम है, वो भी कुछ डिफरेंस नहीं है। फाइनली हम बात कर लें स्नैपड्रैगन का। स्नैपड्रैगन आपको पोको X2 में 730G का मिल रहा है, और स्नैपड्रैगन पोको M2 प्रो में 720G का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेस आपको 2.2 का आपको पोको X2 दे रहा है, और पोको M2 प्रो में 2.3 का दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये 730G स्नैपड्रैगन दे रहा है पोको X2 में और पोको M2 प्रो में 720 दे रहा है, लेकिन वहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेस 2.3 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 730G दे रहा है स्नैपड्रैगन, और यहाँ पे कम कर दिया 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेस। ये आपको सोचने वाली बात है, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग 2500 रुपये आप वेस्ट करोगे जाके पोको X2 में। वो प्रो वाली बात मैं बाद में करता हूँ। आप अगर देखेंगे ऑडियो का भी सेम है, आप देखेंगे अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस भी सेम है, आप अगर कनेक्टिविटी में देखेंगे 4G 3G वाईफाई की कनेक्टिविटी देखेंगे, वहाँ पे आपको सेम मिलेगा, कुछ आपको डिफरेंस मिलने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैमरा में मिल रहा है जो आपको पोको X2 में ज़्यादा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, शौकीन हैं,
मतलब फोटो निकालने के लिए शौकीन है तो आपके लिए वही अच्छा पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दोनों काम चलाने हैं, आपको पैसे भी बचाने हैं और फोटोज भी अच्छे अच्छे बढ़िया से निकालने हैं वीडियो का, तो आपको प्रो से बेहतर मेरे हिसाब से कोई भी फोन, मतलब ये ऑक्टा कोर जो दे रहा है ना 2.2 का, पोको एक्स टू नहीं है M2 प्रो के हिसाब से, क्योंकि प्रो के फोन में दम होता है, पावर होता है, क्योंकि मैं प्रो ही फोन यूज करता हूं, मतलब वीवो Z1 प्रो, रेडमी नोट 3 प्रो, प्रो ही प्रो मैं हमेशा यूज करते आया हूं, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। पर्सनली अगर मैं कहूंगा तो पोको एक्स टू, पोको M2 प्रो इज द बेटर देन पोको एक्स टू। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा और आपको लगता होगा कि ये फोन लेने लायक है नहीं लेने लायक है, तो प्लीज कमेंट करके आप बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पर मैं कंपैरिजन करूँ। तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।